ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल अपन लोगों ने बस खाली हल्का सा शुरुआत ही करी थी, कौन सी यूनिट की? यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 9। सो यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 9 की अपन शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका नाम क्या था? वेरी गुड, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की कल हमने डेफिनेशन तो देख ली थी, क्या होती है? बिटवीन, वेरी गुड। सो बेसिकली जब गुड्स, सर्विसेज, रिसोर्सेज कुछ भी एक्सचेंज होता है दो कंट्रीज के बीच में, तो उसे क्या बोलते हैं हम? इंटरनेशनल ट्रेड। फिर कल हमने दो टॉपिक और कर लिए थे एकदम इजी इजी से, वो क्या थे बेटा? बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस, या बोल सकते हो क्रिटिसिज्म जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर जनरली बताया जाता है। उसके बाद कल हम लोगों ने देखा कि आपको यूनिट नंबर 1 में अलग अलग इकोनॉमिस्ट की जो अलग अलग थ्योरीज है किसको लेकर, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, वो पढ़नी है। एक थ्योरी हम आई थिंक ऑलरेडी देख चुके हैं, कौन सी थ्योरी देखी है अपन ने? मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जहां क्या बताया था मैंने फटाफट बताओ? यस, उसमें एक ही बात है भाई कि क्योंकि हर देश का मकसद है खुद की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना, इसीलिए उसको एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, इंपोर्ट को थोड़ा डिस्करेज भी करेगा तो चलेगा। ओके, ये बात वहां पर बेसिकली बताई गई है। अब आज अपने को और बहुत सारी थ्योरीज करनी है, जिसमें से पहली थ्योरी है द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। देखो भाई, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये थ्योरी किसने दी है, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, एडम स्मिथ, जिसको द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो ये आप हाईलाइट कर लेना, ठीक है? एक तो ये कि इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, दूसरी बात ये कि ये थ्योरी इन्होंने दी है, ये दोनों में ही इनका एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है? देखो आगे, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज वुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल इफ वन कंट्री कुड प्रोड्यूस वन कमोडिटी एट एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड द अदर कंट्रीज कुड इन टर्न प्रोड्यूस अनदर कमोडिटी एट एन एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर द फर्स्ट। बिल्कुल नहीं पता यहां पर क्या बोला हुआ है, ठीक है? इस बात को ना अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे, आखिर ये थ्योरी बोलना क्या चाहती है। देखो एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। आप ये मानो, ऐसे टेबल बनाते हैं छोटी सी अपन, दो कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी, दो प्रोडक्ट्स की, अपन किसी भी दो प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। मानो अपन ने पहला प्रोडक्ट लिया यहां पर स्टील, क्या लिया? ओके, जैसे केजीज के अंदर, और दूसरा अपन लेते हैं शर्ट्स यूनिट्स के अंदर, नंबर ऑफ शर्ट्स वाला, ओके? और ये जो भी टेबल बनेगी ना, ये पर आर के हिसाब से बनेगी। किसके हिसाब से? पर लेबर आर। पर लेबर आर पता है ना आपको, इसे एक घंटे में एक लेबर यूज करके बेसिकली क्या प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो देखो भाई, अपन ने यहां पर मानो लिया 6, 4, 1 एंड 5। इसका मतलब क्या है कि कंट्री ए के अंदर एक लेबर आर को यूज करके बेसिकली 6 kg ऑफ स्टील बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत है इस बात में? और कंट्री ए में ही एक लेबर आर को यूज करके 4 units ऑफ शर्ट्स वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्री बी में वही एक लेबर आर को यूज करके 1 kg स्टील बना सकती है, और कंट्री बी वही एक लेबर आर को यूज करके 5 units ऑफ शर्ट्स बना सकती है, ठीक है? तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि जो कंट्री ए है वो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में एब्सोल्यूट एडवांटेज में है, है ना? वो एक घंटे के अंदर बेसिकली 6 kg स्टील बना सकती है। जो कंट्री बी है वो एक लेबर आर में खाली कितना बना सकती है? 1 kg ही बना सकती है, पर उल्टा है दूसरे प्रोडक्ट में। वहां पे शर्ट्स में एडवांटेज किसके पास है? कंट्री बी के पास है, ओके? कंट्री बी एक में कितना बना सकती है? 5, और ये एक में कितना बना सकती है? 4 ही बना सकती है, ओके? अब आगे देखो, तो पहले अपन लिखेंगे यहां पर तुम, भाई तो थ्योरी तो सुन, थ्योरी तो सुन क्या बोलना चाह रहे हैं, ओके? पहले तो मेरे साथ साथ ही लिखते चलो, साथ साथ लिखते चलो जो मैं बोल रही हूं वो। हाँ, आपको स्पेस, हाँ स्पेस दिया हुआ है ना नोट्स में, वहां लिखो। फटाफट फटाफट,
लिखा, ये टेबल लिख ली खाली। देखो अब नीचे क्या लिखा हुआ है, आगे देखो, कंट्री ए इज मोर एफिशिएंट देन कंट्री बी इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, क्या इस बात में कोई प्रॉब्लम है? एकदम बात सही है। दूसरा, कंट्री बी इज मोर एफिशिएंट देन कंट्री ए, सॉरी, कंट्री ए इन प्रोडक्शन ऑफ शर्ट्स, क्या इस बात में कोई डाउट है? कोई भी नहीं है। अब ये थ्योरी क्या कहती है? सो टू गेन प्रॉफिट ऑफ ट्रेड, कंट्री ए शुड स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ, क्या चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए खाली उसको बताओ? हाँ, स्टील का। एंड कंट्री बी इन शर्ट्स, ये थ्योरी ये कहती है। क्यों कहती है ये अपन अभी आगे बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है? सो टू गेन प्रॉफिट ऑफ ट्रेड, कंट्री ए शुड स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड कंट्री बी इन शर्ट्स, ये बात ये थ्योरी कहती है। देखो यार, एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या होता है, इसका रीजन अभी आगे बताऊंगी, वो भी लिखना है अपने को। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या है? एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट आपको उठाना है, किसका बेनिफिट उठाना है? इंटरनेशनल ट्रेड का, एक बार स्टॉप कर दो, इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट अगर आपको उठाना है, तो इस थ्योरी के हिसाब से जो कंट्री जिस चीज के अंदर एब्सोल्यूट एडवांटेज में है, एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि इट इज प्रोड्यूसिंग मोर एफिशिएंटली दैट गुड इन कंपैरिजन टू अनदर कंट्री, ठीक है, जो भी कंट्री दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में एब्सोल्यूट एडवांटेज में है, उसको उस गुड्स में क्या करनी चाहिए? स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, और दूसरी कंट्री को उसमें करनी चाहिए जिसके अंदर वो एब्सोल्यूट एडवांटेज के अंदर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक यूनिट ज्यादा बना पा रही है खाली, या दो, या चार, या दस, कुछ भी हो, लेकिन वो एब्सोल्यूट एडवांटेज में है। वो एक लेबर आर, मतलब सेम रिसोर्सेज का यूज करके एक कंट्री चीज कम बना पा रही है और वही सेम चीज दूसरी कंट्री ज्यादा बना पा रही है, इसीलिए वो क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट एडवांटेज में कहलाती है। और ये थ्योरी क्या बोलती है? आप स्पेशलाइज कर लोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा वर्ल्ड को इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, आपको ट्रेड के अंदर। क्यों होगा? देखो ये मानो, अब आगे अपन अज्यूम करते हैं कि जो कंट्री ए है, इट एक्सचेंजेस, लिखो मत साथ में, कंट्री जो ए है उसने एक्सचेंज क्या किया? 6 शर्ट्स, ओके, 6 शर्ट उसने क्या करे बेटा, एक तरह से इंपोर्ट कर लिए विद फ्रॉम कंट्री बी, ठीक है। देखो सीधी सी बात है यार, अभी ये एक घंटे में कितने शर्ट बना पा रही है? 4। अब मैं 4 से ज्यादा अगर मुझे वो इंपोर्ट करके देता है ना, अगर मुझे वो बनाकर देता है, तो मेरे लिए हमेशा क्या होगा? फायदेमंद ही होगा, क्योंकि मैं तो एक घंटे में कितने बना पा रही हूँ खाली की खाली? 4 ही बना पा रही हूँ। अब एक घंटे में 6 मैंने खाली इसलिए लिया क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, आप 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, यू कैन टेक एनीथिंग, खाली वो मोर देन क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 4 से ऊपर कुछ भी मुझे वो बनाकर देगा एक घंटे के अंदर शर्ट के नाम पर, तो वो मेरे लिए क्या होगा? फायदेमंद ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर 6 शर्ट वो एक्सचेंज करती है कंट्री बी से, आप लिख भी सकते हो, चाहे एनीथिंग लिख सकते हो, मतलब मोर देन 4, 4 से ऊपर कुछ भी वो बनाकर देता है मुझे एक घंटे के अंदर, तो वो मेरे लिए क्या होगा? बेनिफिशियली होगा। उससे बेसिकली क्या होगा, इसके पास 2 शर्ट ज्यादा आ रहे हैं, पहले कितना बना पा रहा है 4 में? 4 ही बना पा रहा है एक घंटे में, अब वो 6 ले लेगा, तो उसके पास 2 शर्ट क्या आ रहे हैं? ज्यादा आ रहे हैं। सो 2 more shirts का बेनिफिट है। बात समझ में आ गई? हाँ हाँ, बाकी एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स, ये तो अज्यूम्ड बात होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, जब भी अपन कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं, जिस फैक्टर की बात करते हैं वही काम करता है, बाकी सब क्या रहते हैं? कॉन्स्टेंट रहते हैं, है ना। तो ये चीज हो गई। अब उल्टा देखो, अब कंट्री बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहां तो अपन ने कंट्री ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, वहां पर अगर आप कंट्री बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे बेटा, तो अगर उसको 6 शर्ट बनाने हैं, ठीक है, 6 शर्ट बनाने हैं, तो वो क्या करेगा बेटा? यहां पर अपना लेबर आर लगाएगा शर्ट बनाने में, जिसमें उसको ऑलरेडी क्या है? एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अब वो इससे क्या लेगा, कंट्री ए से क्या लेगा वो बताओ? स्टील लेगा। कितने किलो स्टील लेगा? स्टील 6 किलो स्टील बनाने के अंदर कंट्री बी को कितने घंटे लगते? 6 घंटे। और 6 घंटे के अंदर, 6 घंटे जो उसको लगते हैं, वो बेसिकली अगर शर्ट बनाने में लगाता है, तो वो कितने शर्ट बना सकता है? बहुत, क्या कैलकुलेट करो ना, एग्जैक्टली एक घंटे के अंदर कितने बना पा रहे? 5। और अगर वो ही 6 घंटे वो शर्ट बनाने में ही लगाएगा खाली, तो फिर कितने बना पाएगा?
पीस बना पाएगा। सो सोचो वो टाइम सेव करके जिसमें वो 6 शर्ट बना सकता था, जो कि उसके लिए एक ही घंटे का काम है कंट्री ए के लिए, वो यहाँ पर कितने शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकता है? 30 शर्ट मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो बेसिकली ये एक्सचेंज ऑफ ट्रेड करके क्या हो रहा है, ए के पास तो 2 शर्ट एक्स्ट्रा आ रहे हैं और वो 30 शर्ट एक्स्ट्रा बना पा रहा है उसी टाइम के अंदर। ठीक है, इसीलिए शर्ट्स का प्रोडक्शन बेसिकली क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। स्टील का भी बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो टाइम सेव करेगा ना अपना। यहाँ पे जो वो 1 घंटा 4 शर्ट बनाने को दे रहा था, अब वो 1 घंटा या जो भी उसका टाइम सेव होगा वो क्या बनाएगा, उसके अंदर स्टील बनाएगा। स्टील बनाएगा तो स्टील का प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे शर्ट का प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है उसी टाइम के अंदर। बात समझ में आ रही है? इसीलिए क्या एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या है, ये थ्योरी बोलती है कि भाई आप क्या करो, सिंपल सी बात है, जिस चीज में आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज है उस चीज के अंदर क्या कर लो, स्पेशलाइजेशन कर लो और फिर इंटरनेशनल ट्रेड करो। उससे क्या होगा, आपको और पूरी दुनिया को बहुत फायदा होने वाला है। बात समझ में आ गई? चलो लिखो आगे का। इतना लिख लिया, लिखवाऊं वापस से मैं पढ़ के सुनाती हूँ सारा का सारा। ठीक है, ये टेबल बना ली, चलो लिखते हैं आगे। कंट्री ए इज मोर एफिशिएंट देन कंट्री बी इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। ये लाइन लिख ली, इस बात में कोई प्रॉब्लम है आपको? आगे चलो। कंट्री बी इज मोर एफिशिएंट देन कंट्री ए इन प्रोडक्शन ऑफ शर्ट्स। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? आगे थर्ड लाइन। सो टू गेन प्रॉफिट ऑफ ट्रेड कंट्री ए शुड स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड कंट्री बी शुड स्पेशलाइज या कंट्री बी इन शर्ट्स। क्या इस बात में कोई इशू है? ये थ्योरी बोलती है। अब आगे लिखो। इतना ऐसा मत करो, मैं जो कह रही हूं वो भी तो सुनो। इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड कंट्री बी इन शर्ट्स। प्रोडक्शन को शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं बेटा, ऐसा लास्ट पॉइंट में लिखवा रही हूं अभी। यहां तक लिख लिया, आगे लिखवाऊं? नहीं, मैं बोलूंगी, तुम लिखे हो एक अंदर नाटक कर दो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इफ कंट्री ए एक्सचेंजेस 6 kg ऑफ स्टील, जो मैं लिखवा रही हूं वो लिखो। ठीक है, इफ कंट्री ए एक्सचेंजेस 6 kg ऑफ स्टील, 6 किलो स्टील के बदले 6 शर्ट देगी बेसिकली वो, है ना? ठीक है, सो इफ कंट्री ए एक्सचेंजेस 6 kg ऑफ स्टील विद सिक्स शर्ट्स और ब्रैकेट में लिख लेना एनीथिंग मोर देन 4। वो आप बोलोगे मैम 6 शर्ट क्यों लिए आपने, तो भाई 4 से ऊपर कुछ भी ले लेगी वो तो उसके लिए बेनिफिशियल ही है। दे क्या रही है कंट्री ये बेटा, दे क्या रही है कंट्री ये, 6 किलो स्टील दे रही है, ले क्या रही है, 6 शर्ट ले रही है। ओके, ऑफ शर्ट, देन कंट्री ए गेन 2 शर्ट्स। सीधी सी बात है ना, कंट्री ए गेन 2 शर्ट्स, 4 ब्रैकेट में लिखना है एनीथिंग मोर देन 4। ठीक है, ऑब्वियसली बात है वो तो। ऑफ शर्ट्स देन कंट्री ए गेन्स 2 शर्ट, कंट्री ए गेन्स 2 शर्ट। कोई दिक्कत है इसके अंदर? देखो सीधी सी बात है यार, 1 घंटे में पहले वो 6 kg स्टील बना रही थी या 4 शर्ट बना रही थी, अब 1 घंटे के अंदर ही वो 6 kg स्टील बना रही है जो कि वो दे रही है, लेकिन सामने से मिल क्या रहा है, 6 शर्ट, जिसके लिए उसको मोर देन 1 लेबर आवर लगाने पड़ते, पर अब वो नहीं करना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सिमिलरली इफ बी रिसीव्स 6 kg ऑफ स्टील फ्रॉम ए, इफ बी रिसीव्स 6 kg ऑफ स्टील फ्रॉम ए बी इज सेविंग 6 आवर्स, क्योंकि उसको 6 kg स्टील बनाने के अंदर कितने घंटे लगेंगे बेटा, 6 घंटे लगेंगे। अब वो वहां से 6 kg स्टील इंपोर्ट कर लेगा तो उसके कितने घंटे बचेंगे, 6 घंटे, सो इट इज सेविंग 6 आवर्स, फुल स्टॉप। आगे लिखो। विच इट कैन यूज, या कॉमा लगा लो, विच इट कैन यूज इन मेकिंग 30 शर्ट्स। 30 कैसे, 5 × 6, 6 घंटे बचे, 1 घंटे में 5 बना सकता है, टोटल कितने बना पाएगा, 30 शर्ट बना पाएगा। ट्रेड इज एडवांटेजियस, दिस ट्रेड इज एडवांटेजियस।
दिस ट्रेड इज एडवांटेजियस, दिस ट्रेड इज एडवांटेजियस। कोई दिक्कत है क्या इस बात के अंदर, जो मैंने बोला, जो एग्जाम्पल लिखवाया, जो नोट्स अपन ने लिखे? मैं वापस आपको एकदम ब्रीफ कर रही हूं, जिसने नहीं समझा वो वापस से समझ लो एडवांटेज थ्योरी का मतलब क्या है। देखो, एडम स्मिथ बोलते हैं, कुछ नहीं कह रहे बेटा, सिंपल सी बात कह रहे हैं, हर कंट्री को एक ही बात कह रहे हैं कि आप जिस चीज के अंदर आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज है, जो चीज आप कम रिसोर्स यूज करके ज्यादा बना पा रहे हो, उस चीज के अंदर आपको क्या कर लेनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन कर लेनी चाहिए। और जिस चीज का आपको डिसएडवांटेज है, जो चीज आप कम बना पा रहे हो सेम रिसोर्सेज यूज करके, वो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए। इस एग्जांपल में हमने कुछ नहीं लिया बेटा, इस एग्जांपल में एकदम हमने सिंपल चीज ली है कि कंट्री ए कितना केजी स्टील बना सकती है एक घंटे के अंदर, 6 केजी स्टील बना सकती है। और जो कंट्री बी है वो एक घंटे के अंदर कितना बना सकती है, 1 किलो, है ना, 1 किलो स्टील बना सकती है। इन द सेम वे 4 शर्ट्स बना सकती है कंट्री ए और कंट्री बी 5। तो कंट्री ए का एडवांटेज है स्टील बनाने में और कंट्री बी का शर्ट्स बनाने के अंदर। अब आगे हमने सिंपल सा क्या लिया, कैसे एडवांटेज मिला हमको, कि अगर 6 किलो स्टील ये कंट्री बी को देती है और उसके बदले मोर देन 4 एनीथिंग, मानो कि 6 शर्ट्स लेती है, तो वो बेसिकली यहाँ पर 2 शर्ट का कंट्री ए को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, और जो टाइम बचेगा उसमें वो और स्टील बना सकती है। इन द सेम वे 6 किलो स्टील इंपोर्ट करने के कारण 1 × 6, इसका मतलब 6 आवर्स की सेविंग हो रही है किसके पास, कंट्री बी के पास। और कंट्री बी के पास 6 घंटे की सेविंग होने के कारण वो 6 × 5 = 30 more shirts बना सकती है। तो सोचो ये ट्रेड कितना एडवांटेजियस हो गया दोनों ही कंट्री के लिए। ये आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी है। ओके, आपकी बुक में तो सिंपल सी खाली स्पेशलाइजेशन वाली बात लिखी हुई है, लेकिन उसका मतलब क्या है, खाली उसके लिए एग्जाम्पल आपको लिखवाया हुआ है। एग्जाम्पल कहीं पर भी आपकी मॉड्यूल में या कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलो बुक से पढ़ेंगे आखिर आपकी थ्योरी क्या बोल रही है। अब आपको कुछ भी दिमाग लगाने की नीड नहीं, आप जो पढ़ोगे सब समझ में आएगा। देखो भाई, अब अपन ने जो लाइन पढ़ी थी अब तुमको समझ में आएगी। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज वुड बी बेनिफिशियल इफ वन कंट्री कुड प्रोड्यूस वन कमोडिटी एट एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड अदर कंट्री कुड प्रोड्यूस अनदर कमोडिटी एट एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर द फर्स्ट। जो आदमी को जिस चीज में एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो उस चीज का क्या बना लो, प्रोडक्ट बना लो। अब कुछ assumptions है, ये खाली आपको, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, only read, okay? आपको कुछ assumptions लिया हुआ है, theory बेटा आपको बाकी सब चीजें constant रखनी पड़ती है और कुछ assumptions रखने पड़ते हैं। तो ये assumptions लेकर इसने ये theory बनाई है, जैसे कि trade between two countries, यहाँ सिर्फ 2 ही countries के बीच में between trade हो रहा है, इतनी सारी countries है ना, इसने क्या assume किया है, 2 countries के बीच में trade हो रहा है। He took into consideration a 2 country and 2 commodity framework for his analysis। जैसे अपन ने एग्जाम्पल में लिया ना, 2 country और 2 commodity, यार कमोडिटी 2 ही थोड़ी ना होती है ना, हजारों होती है, लाखों होती है, कंट्रीज भी बहुत सारी है। तो लेकिन इसने क्या अज्यूम किया, देश में पूरी दुनिया में 2 ही कंट्री है और 2 ही प्रोडक्ट का वो एनालिसिस कर रहा है। तीसरा, देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन, देखो कहीं पर भी उसने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का जिक्र नहीं किया है, इसलिए उसने माना है कि वो या तो साइलेंट है या फिर है ही नहीं। स्मिथ अज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज वर कंप्यूटेड बाय रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन देयर रेस्पेक्टिव प्रोडक्शन प्रोसेसेस। बेसिकली यहाँ पर जो रिसोर्स का उसने यूज किया है वो क्या किया है, लेबर आर। इस थ्योरी को समझाने के लिए जिस रिसोर्स का उसने यूज किया है वो क्या किया है, लेबर आर। बाकी सारे रिसोर्सेज कहाँ उसने ध्यान में रखे, कैपिटल है, लैंड है, दुनिया भर की चीजें, वो सारा उसने क्या माना है, कॉन्स्टेंट माना है, साइलेंट माना है, लेबर आर्स को बेसिकली यूज करके ये थ्योरी बनाई गई है। इसलिए आपके एग्जाम्पल में भी क्या लिया है अपन ने, लेबर आर ही लिया। ओके, He assumed that labor was mobile within a country but immobile between the country. देखो अगर ये assumption नहीं लेता ना तो कोई भी, मतलब ऐसे एकदम दिमाग वाले आदमी का, economist का पहला question क्या आता, अगर वहां पे एक लेबर आर को यूज करके 6 शर्ट बनाए जा सकते हैं और एक जगह 4 बनाए जा सकते हैं तो लेबर को ही भेज दो ना उधर, अरे उस लेबर को ही भेज दो उधर, तो वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पर इसने assume किया लेबर क्या है, बिटवीन कंट्रीज इमोबाइल है, खाली खुद की कंट्री में ट्रैवल कर सकता है, दूसरी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर रहा है। He implicitly assumed that any trade between the two countries considered would take place if each of the two countries had an absolute lower cost in the production of one of the commodities. तो ये कुछ यहाँ पर इसने assumption लिए हुए हैं। अगला आता है comparative advantage। अब यार वो बोला कि ये क्या theory है, ये तो मुझे अच्छी नहीं लगी, अब हम दूसरी theory निकालेंगे, बोलेंगे comparative advantage। देखो ये थ्योरी क्यों आई मैं बताती हूँ। एडम स्मिथ ने क्या अज्यूम किया है कि कंट्री ए एक चीज में माहिर है, बातें मत करो,
कंट्री ए एक चीज में माहिर है और कंट्री बी दूसरी चीज में माहिर है। अब यहाँ पे डेविड रिकार्डो कहते हैं कि अगर कोई कंट्री दोनों ही चीज में माहिर हो तो और वो दोनों ही चीज में बेकार हो तो सोचो, ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है कि कंट्री ए स्टील भी ज्यादा बना सकती है एक घंटे में और शर्ट भी, और जो कंट्री बी है वो स्टील भी कम बनाएगी एक घंटे में और शर्ट भी। तो क्या ऐसी कंट्रीज के बीच में भी ट्रेड होना फायदेमंद हो सकता है? बताओ बताओ, क्या ऐसी कंट्रीज के बीच में भी ट्रेड होना फायदेमंद हो सकता है जो एक तो पूरी कम है और एक पूरी अच्छी है? तो डेविड रिकार्डो कहते हैं कि यस। वैसे कोई फर्स्ट फॉरमोस्ट सुनेगा तो क्या बोलेगा, ऐसी कंट्रीज में तो ट्रेड होना बेकार ही है, डेफिनेटली एडवांटेजेस नहीं है। लेकिन डेविड रिकार्डो अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के साथ बताते हैं कि ऐसी कंट्रीज के बीच में भी ट्रेड हो सकता है और एडवांटेजियस भी हो सकता है। कैसे? वो ही इस थ्योरी में बताया गया है। ठीक है, पढ़े चल। पहले एक काम करते हैं, अपन पहले पूरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं फिर उस एग्जाम्पल को समझते हैं। ओके चल, देखो इसके अंदर आप देखो, कंट्री ए एक घंटे में कितना स्टील बना पाती है, 3 kg, और कितना शर्ट, मतलब 2 kg नहीं बेटा, 2 number of shirts। ओके, कंट्री बी 1 kg स्टील बनाएगी और एक ही शर्ट बनाएगी। कंट्री बी पूरी तरह से एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज में है ओवर कंट्री ए, दिख रहा है ना आपको? चलो तो ये लिखो, लिखते चलो, मैं बोलूंगी आप लिखो, एग्जाम्पल फॉर्म कर लो फिर एग्जाम्पल समझते हैं। बी हैज, मैं बोलती जा रही हूँ लिखती भी जा रही हूँ, मेरे साथ साथ लिख लो, फिर बोलोगे मैम ये क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है। चले भाई इतना धीरे लिखते हो क्या है? देखो तुम फालतू बात मत करो, यू आर इमोबाइल आफ्टर आउटसाइड क्लास, तुम इधर ही जा सकते हो बस। बोलो चलो, बी हैज एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग बोथ स्टील एंड शर्ट्स। कोई दिक्कत है क्या इस बात में? हाँ, बी हैज एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग बोथ स्टील एंड शर्ट, दोनों के अंदर ही खराब है भाई। बट कंट्री बी हैज प्रोडक्शन एफिशिएंसी इन शर्ट्स एज कंपेयर टू स्टील। अब ये क्या बात है बताओ, क्या लिखा है मैंने? कंट्री बी हैज प्रोडक्शन एफिशिएंसी इन शर्ट्स एज कंपेयर टू स्टील, क्या मतलब हुआ इसका? कैसे? कैसे? देखो कंपेयर करो, एक घंटे के अंदर, मैं बताती हूँ ना क्या लिखा हुआ है, एक घंटे के अंदर कंट्री ए 3 kg स्टील बना पाती है और कंट्री बी सिर्फ 1, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 2 kg ऑफ स्टील, करेक्ट। यहां पर अगर मैं बात करती हूँ, यहां पर कंट्री ए 2 shirt बना पाती है और जो कंट्री बी है वो 1 ही shirt बना पाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सिर्फ 1। इसका मतलब हालांकि कंट्री ए से तो दोनों ही चीजें कम बन रही है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करती हूं तो शर्ट्स में कहीं ना कहीं कंट्री बी को प्रोडक्शन एडवांटेज है, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, स्टील से कम है। कंपैरिजन थ्योरी कर रहे हैं अपन यहां पे, ठीक है, खाली एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट लेकर नहीं चल रही है, इससे खराब है ये, इससे अच्छा है। आप कंपैरेटिव थ्योरी करो, आप कंपैरिजन देखो कि भाई उस चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दूसरे से कम है, तो इसलिए बोला है कंट्री बी हैज प्रोडक्शन एफिशिएंसी इन शर्ट। भाई इससे तो बेहतर है कि शर्ट में ज्यादा उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी है इन कंपैरिजन टू स्टील। ओके, क्यों? क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है बेसिकली।
ओके आगे लिखो, देखो, सो इन वन आवर, इन वन आवर वी हैव टोटल 4 kg ऑफ स्टील एंड 3 shirts. भाई अगर कंट्री ए और कंट्री बी जैसा टेबल दिया हुआ है वैसा वैसा काम करेगी तो पूरी दुनिया के अंदर, इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर 1 घंटे में कितने स्टील बनेगा? 4 kg, 3 ये बनाएगा, 1 वो बनाएगा, ओके? और शर्ट्स कितने बनेंगे? 3, 2 ये बनाएगा और 1 वो बनाएगा. अब आगे, नाउ इफ बी ऑफर्स, नाउ इफ बी ऑफर्स टू सेल 2 shirts टू ए, क्या लिखा है मैंने, नाउ इफ बी ऑफर टू सेल 2 shirts टू ए इन एक्सचेंज ऑफ, कोई भी आप यहाँ पे नंबर ले सकते हो, वैसे कुछ 2.5-3 kilo के आसपास का स्टील, 2 kg और 2.5 kg ऑफ स्टील, ठीक है, क्या लिखा है मैंने. अब अपन ट्रेड कर रहे हैं दोनों के बीच में, ठीक है. नाउ बी ऑफर टू सेल 2 shirts टू ए इन एक्सचेंज ऑफ 2.5 kilo ऑफ स्टील, बेसिकली 1 से ज्यादा उसको चाहिए, इन शॉर्ट, ओके, 2 से ज्यादा उसको चाहिए, क्यों? क्योंकि उसको ना 2 hours लगाने पड़ेंगे 2 shirt बनाने के अंदर, तो बेसिकली उसको जो स्टील चाहिएगा वो 2 kg से ज्यादा चाहिएगा, क्योंकि वो 1 घंटे में 1 बना सकता है, 2 में 2 बनाएगा, तो उससे ज्यादा ही उसको रिक्वायरमेंट होगी. तो क्या बोल रहे हैं, बी ने ऑफर किया कि भाई मेरे से कितने शर्ट ले ले, 2 shirt ले ले, और मुझे कितना स्टील दे दे, मोर देन 2 kg, क्योंकि 2 kg तो मैं ही बना लूंगा 2 घंटे के अंदर, ठीक है. तो 2.5 kilo अपन ने कुछ ऐसा यहाँ पे अमाउंट ले लिया कि 2.5 kg ऑफ स्टील. आगे लिखो, देन बी विल नाउ यूज 2 hours ऑफ स्टील इन मेकिंग 2 shirts, है ना. उसको 2 shirt बनाने ना कंट्री ए के लिए, कंट्री ए के लिए कितने शर्ट बनाने हैं उसको? 2 shirt बनाने हैं, तो वो 2 घंटे स्टील के निकालेगा अपने, और क्या बनाएगा उससे? 2 shirt बनाएगा. कोई दिक्कत है क्या? बोलो, 2 घंटे में 2 shirt बनाएगा, 2 घंटे निकालेगा कहां से? स्टील से ही निकालेगा, और वहां से वो 2 shirt बनाएगा. अब आगे क्या होगा, देखो, ए विल यूज 1 hour ऑफ शर्ट्स, 2 बना रहा था ना आई थिंक 1 घंटे में ए, इन मेकिंग स्टील. आगे क्या हो रहा है बेटा, जो ए है वो अब 2 shirt कहां से इंपोर्ट कर रहा है? कहां से इंपोर्ट कर रहा है? कंट्री बी से, ठीक है. और उसको 2 shirt बनाने के अंदर पहले कितने घंटे लग रहे थे? 1 ही घंटा लग रहा था ना ए को. अब वो 1 घंटा कहां डाइवर्ट कर देगा? अपना स्टील बनाने में. और 1 घंटे में कितना किलो स्टील बनाएगा? कितना किलो स्टील बनाएगा? 3 kilo स्टील बनाएगा. 3 kilo लिखा हुआ है ना, 3-2 तो लिखा हुआ है, तो 3 kilo क्या बनाएगा? स्टील बनाएगा. सो ए विल नाउ यूज 1 hour ऑफ शर्ट इन मेकिंग स्टील. और स्टील कितना बनेगा दुनिया में एक्स्ट्रा? 3 kg, एक्स्ट्रा 3 kg स्टील बनेगा, ओके. अब देखो इसकी इक्वेशन देखो, ओवरऑल, ओवरऑल शर्ट्स विल रिमेन सेम. शर्ट एकदम सेम है बेटा, शर्ट की प्रोडक्शन अभी भी सेम है. क्यों? क्योंकि ए ने 2 shirt कम बनाए लेकिन बी ने 2 shirt ज्यादा बनाए, तो शर्ट की जो प्रोडक्शन है इट विल रिमेन सेम. आप लिख लो चाहे हिंदी में, ए ने 2 shirt कम बनाए, क्योंकि वो जो 1 घंटा 2 shirt बनाने में लगा रहा था वो स्टील बनाने में दे रहा है, क्योंकि वो 2 shirt इंपोर्ट कर रहा है, तो ए ने 2 shirt कम बनाए, बट बी ने 2 shirt ज्यादा बनाए. तो अभी भी टोटल शर्ट्स कितने बन रहे हैं? 3. एक तो वो पहले बना रहा था, 2 उसने ए के लिए बनाए, अब तो कितना हो गया टोटल? 3. लेकिन सोचो स्टील का, देखो अब स्टील के साथ क्या हो रहा है, बट स्टील ज्यादा बन रहा है, पर स्टील अब ज्यादा बन रहा है. कितना ज्यादा? ए ने 3 kilo स्टील ज्यादा बनाया और वहां पे बी ने 2 kilo स्टील कम बनाया ना. स्टील से 2 घंटे निकाले थे ना उसने शर्ट बनाने के लिए, और वो 2 घंटे उसने क्या बनाए? उसमें शर्ट बनाए, तो 2 kg स्टील उसने कम बनाया, तो मेरे को नेट बेनिफिट कितना हुआ स्टील का? दुनिया में 1 kilo स्टील ज्यादा बन रहा है वो ही रिसोर्सेस को यूज करके. क्या बोला? ये ट्रेड कैसा है? एडवांटेजियस ही रहेगा. ओके, स्टॉप राइटिंग नाउ.
अपन सारा का सारा ब्रीफिंग करेंगे एक बार वापस से, लास्ट में लिख लेना, अभी मत लिखो रे, बंद कर दो। देखो क्या बोला कंपैरेटिव थ्योरी ने, सिंपल सी बात है, यहां पर आपके डेविड रिकार्डो साहब बोलते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज को साइड रखो, अगर दो ऐसी कंट्रीज आ गई जिसमें एक कंट्री ऐसी है जो दोनों ही प्रोडक्ट में मोर एफिशिएंट है और एक कंट्री ऐसी है जो दोनों ही प्रोडक्ट में लेस एफिशिएंट है, तो इनके बीच में तो कभी ट्रेड फिर हो ही नहीं सकता। तो डेविड रिकार्डो साहब बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कंपैरेटिव थ्योरी का यूज करके इनके बीच में भी ट्रेड करवा सकते हो। अपन ने एग्जाम्पल में क्या देखा बेटा, अपन ने एग्जाम्पल में देखा कि कंट्री ए और कंट्री बी जिसमें स्टील की प्रोडक्शन 3 हो रही है, यहाँ पे शर्ट की प्रोडक्शन 2 हो रही है, और कंट्री बी में 1 और 1, कंट्री बी इज एब्सोल्युटली डिसएडवांटेजियस इन प्रोड्यूसिंग बोथ स्टील एंड शर्ट्स। उसके बाद आपने देखा कंट्री बी के अंदर लेकिन एक बेनिफिट है, क्या है कि जो शर्ट का डिसएडवांटेज है वो कम है, किससे, स्टील से, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। तो आगे इन्होंने क्या बोला कि इन 1 आवर टोटल हमारे पास दुनिया में 4 किलो स्टील बन रहा है और 3 शर्ट बन रहे हैं। अब अगर इनके बीच में ट्रेड करवाते हैं तो क्या करेगा बेटा, बी कह रहा है कि तू मुझसे कितने शर्ट ले ले, 2 शर्ट ले ले, मैं 2 घंटे में 2 शर्ट बनाकर तेरे को दे दूंगा, और तू मुझे 2 केजी से ज्यादा कोई भी अमाउंट का क्या दे दे, स्टील दे दे। तो मैंने बहुत नॉमिनल अमाउंट लिया है कि 2.5 किलो का स्टील उसने उसको उसके एक्सचेंज में दे दिया। उसके बाद Now, if B offer, sorry, then B will now use 2 hours of steel in making 2 shirt. उसको 2 shirt extra बनाने हैं, वो कहाँ से निकालेगा? Steel से, क्योंकि उसी को बनाने में disadvantage ज़्यादा है ना। तो वहाँ से उसने क्या निकाल लिए? 2 घंटे निकाल लिए। 2 घंटे निकाल के क्या बना लिए उसने? 2 shirt बना लिए और उसको A को दे दिए। अब A को बनाना है basically, जब उसके पास 2 shirt उसको कम बनाने हैं, तो उसके पास कितने घंटे बचे? A के पास कितने घंटे एक्स्ट्रा बच रहे हैं अब? 1 घंटा बच रहा है ना, क्योंकि उसको अब 1 घंटे में 2 शर्ट नहीं बनाने, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको इंपोर्ट कर रहा है। अब वो 1 घंटा कहाँ लगा देगा अपना, क्योंकि उसको वहां ज्यादा फायदा है ना, तो वो 1 घंटा कहाँ लगाएगा, स्टील बनाने में। कितने किलो स्टील एक्स्ट्रा बनेगा? 3 किलो स्टील एक्स्ट्रा बनेगा। अब अगर आप टोटैलिटी में देखते हो तो ए ने 2 शर्ट कम बनाए लेकिन बी ने 2 शर्ट ज्यादा बनाए, तो शर्ट की क्वांटिटी तो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, 2 कम 2 ज्यादा, माइनस प्लस 0 हो गया, वो जो बन रहा था एग्जैक्टली वो ही बन रहा है। लेकिन स्टील के प्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो आपके पास आपको नजर आएगा कि जो बी है वो 2 किलो स्टील कम बना रहा है, 2 घंटे निकाल के स्टील से 2 किलो स्टील कम बना रहा है, लेकिन 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 जो ए है वो एक्स्ट्रा कितना बना रहा है, 3 किलो। तो अभी भी वर्ल्ड को 1 केजी ऑफ स्टील का क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। इसीलिए ये ट्रेड भी कैसा माना जाएगा, एडवांटेजियस ही माना जाएगा। हालांकि एक कंट्री टोटली डिसएडवांटेज में थी, फिर भी उससे ट्रेड करने के अंदर ट्रेड कैसा हो रहा है, एडवांटेजियस ही हो रहा है। चलिए थोड़ा सा हिंदी में लिखवाने का खाली लॉजिक इतना सा है कि जब आप आगे भी पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी आप उसको कंप्लीट खतरनाक लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट वो एक ही बात है, आपको एग्जाम्पल खाली समझने के लिए यूज में लेना है, और जो थ्योरी है वो तो जो आपके पास बुक में दी हुई है उतना ही आपको देखना है, ठीक है। देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल स्पेस है ये, ओके, मैंने यहाँ स्पेस, आपने यहीं पे लिखा है ना जो स्पेस छोड़ा हुआ है, ओके। हाथ से लिखवाने का बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि बच्चे को अपने हाथ से लिखी हुई चीज कहीं ना कहीं ज्यादा ध्यान रहती है पढ़ने के कंपैरिजन के अंदर, तो इसलिए खाली 2 एग्जांपल के लिए स्पेस छोड़ा था कि आप हाथ से लिख लोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा शायद। देखो भाई, डेविड रिकार्डो ऑब्जर्व दैट वन कंट्री मे बी मोर प्रोडक्टिव देन अदर इन ऑल गुड्स। ऐसा भी हो सकता है, रिकार्डोज इनसाइट वॉज सच अ कंट्री वुड स्टिल बेनिफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू इट्स कंपैरेटिव एडवांटेज। अभी भी इन दोनों कंट्री के बीच का ट्रेड कैसा रहेगा, एडवांटेजियस ही रहेगा। कैसे? एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट, ये देख लो, ये हाइलाइटिंग पॉइंट है, बस हाइलाइट बाद में कर लेना, पहले समझो। एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स इन विच इट एब्सोल्यूट एडवांटेज वॉज ग्रेटेस्ट एंड इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स इन विच इट्स एब्सोल्यूट एडवांटेज वॉज कंपेरेटिवली लेस। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है इन्होंने ये थ्योरी, है ना, कि भाई ए, कंट्री ए, तुम वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो जिसमें तुम्हारा एडवांटेज ज्यादा है, ओके, 1:3, 3:1, और वो चीज इंपोर्ट करो जिसमें तुम्हारा एडवांटेज तो है लेकिन कैसा है, कम है, ओके, 2:1, ओके।
इवन अ कंट्री दैट इज मोर एफिशिएंट इन एवरीथिंग इट वुड मेक बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड. तुम हर चीज में बेहतर हो लेकिन फिर भी तुमको उस कंट्री के साथ ट्रेड करने में क्या मिलेगा, फायदा ही मिलेगा. बिकॉज ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ट्रेड रेजेस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ बोथ द कंट्री एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड गुड न्यूज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. है ना, ये आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज की थियरी है. देखो एक्चुअली क्या होता है ना, बातें नहीं, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज, ये कुछ थियरीज ऐसी है जो अगर आपको 5 बार भी पढ़नी पड़े ना एग्जाम्पल तो पढ़ो, अगर नहीं समझ में आता है तो. ठीक है, अगर कोई एकदम ध्यान से सुनेगा तो उसको एक ही बार में समझ में आ जाएगा क्या बात हो रही है, पर अगर आपका ध्यान पूरी थ्योरी में बीच में इतना सा भी डाइवर्ट हुआ आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पहुंच गए अपन. अरे 3 किलो 2 किलो क्या हो रहा है, ये क्या एक्सचेंज हो रहा है, आपको समझेगा ही नहीं. इसीलिए जब भी थ्योरीज आप पढ़ते हो इस टाइप की या स्पेसिफिकली ये दो थ्योरीज, थोड़ा सा आपको ध्यान से इस बात को पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें आप एक यूनिट एक्सचेंज कर रहे हो उसके बदले में क्या खो रहे हो, उसके बदले में क्या पा रहे हो. तो खोया पाया विभाग इतना बड़ा है कि आपको उसको समझने के लिए ध्यान से बात को सुनना ही पड़ेगा. तो 5 बार भी सुनना पड़ रहा है तो 5 बार सुन लेना, चाहे वापस से आपके वीडियो पे या फिर कैसे भी, लेकिन आप इसको ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत इजीली ये बात समझ में आ जाएगी. मैंने तो हिंदी में भी लिखवाया ताकि तुमको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए. कोई दिक्कत है क्या दोनों थ्योरीज में? नहीं है तो चलो मुझे कौन बताएगा एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बोलता है. मैं एग्जाम्पल में नहीं पूछ रही, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नहीं, सिंपल थ्योरी बता दो बस, फटाफट फिर आगे चलेंगे. एब्सोल्यूट एडवांटेज बोल, कंट्री किसको इंपोर्ट करूं, जिस प्रोडक्ट को बनाने में वो कम एफिशिएंट है उसको क्या कर लूं, और स्पेशलाइज किस में करूं, जिसके अंदर बनाने में मुझे ज्यादा बेनिफिट है, एफिशिएंट में ज्यादा हूं, उसको क्या करूं, कंप्लीटली एक्सपोर्ट भी कर सकती हूं, मतलब उसको बनाने में क्या करूं, स्पेशलाइजेशन करूं. अब जो करो तुम उसका एक्सपोर्ट करो, क्या करो, लेकिन बनाओ वही जिसमें तुमको क्या है, एफिशिएंसी ज्यादा मिल रही है. और कंपैरेटिव एडवांटेज क्या बोलता है, क्या बोलता है एग्जैक्ट, थ्योरी क्या बोल रही है कि अगर एक कंट्री सारे गुड्स बनाने में ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा एफिशिएंट है दूसरी कंट्री से, तो भी उनके बीच में ट्रेड हो सकता है. कैसे होगा कि भाई वो कंट्री जो अच्छी कंट्री है ना उसकी बात हो रही है, वो कंट्री एक्सपोर्ट क्या करे जिसके अंदर उसको एडवांटेज ज्यादा है, क्योंकि देखो एडवांटेज है तो दोनों में ही, तो एक्सपोर्ट क्या करो जिसमें ज्यादा है और इंपोर्ट क्या करो जिसके अंदर कम है, ये आपकी कंपैरेटिव थ्योरी कहती है. बात समझ में आ गई क्या? और उसके अंदर तो सिंपल सी बात है, जिसमें एडवांटेज है वो तो एक्सपोर्ट कर दो, जिसमें डिसएडवांटेज है वो इंपोर्ट कर लो. वो एकदम सीधी सीधी थ्योरी है, उसमें कुछ भी तिकड़म वाली बात है ही नहीं एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली थ्योरी के अंदर. ये आपकी थ्योरीज है. सोचो कितना समय आपको समझने में लगा, तो बनाने वाले का तो जीवन ही निकल गया होगा इसको बनाने में, है ना, सोचा होगा और बोले पढ़ना मैम हमको पढ़ रहा है, बना के तो वो चला गया, अब पढ़ रहे हैं हमें. अरे बेटा सोचो इतनी सी बात समझाने में उसने पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया थ्योरी को. थ्योरीज बनाना बहुत बड़ी बात है, अपन चाके भी नहीं बना सकते. थ्योरी पढ़ी तो नहीं जा रही तुमसे, हाँ 4 लाइन की बनाई है मैंने तो तुम्हारी बुक में, देखना इसका लेंथ, तो भी अपने को ऐसे लगेगा कि अरे ये क्या. कंपैरेटिव वाले का एडवांटेज आपकी बुक में भी दिया है, आपके मॉड्यूल में भी दिया है. कंपैरेटिव वाले का सेम एग्जांपल दिया है, 3:1:1 यही रेशियो ले रखा है उन्होंने भी, और उसमें भी दिया हुआ एग्जांपल. ओके देखो नेक्स्ट थ्योरी आती है द हेक्सर ओलिन थ्योरी, जिसको HO थ्योरी भी बोलते हैं, अपन तो शॉर्ट में यही बोलेंगे यार, इतना बड़ा नाम कौन बोलेगा. कौन सी थ्योरी आती है, HO थ्योरी, है ना, HO थ्योरी भी बोलते हैं इसको. क्या बोलती है ये, आपकी बात कर रही है कि यार क्या लेबर लेबर लेबर, और कोई चीज ही नहीं होती क्या, हाँ फैक्टर्स और कहाँ गए. ओके तो ये थ्योरी बहुत सिंपल सी बात बोलती है और इसमें कुछ वैसा एग्जाम्पल की नीड भी नहीं है. देखो क्या बोलती है, बस बातें नहीं, आवाज तो आ रही है ना, वहां चेक करना पड़ता है, ऐसा मुझे इंस्ट्रक्शंस है यार, मैम बीच बीच में चेक किया करो कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, फिर वो री रिकॉर्ड करना पड़ता है अगर आवाज नहीं आती तो. ओके चलो, द HO प्रपोजिशन मेंटेन्स दैट कंट्रीज वेल एंडोर्ड विद कैपिटल सच एज फैक्ट्रीज एंड मशीनरी should export capital intensive product while those well endowed with labor should export labor intensive product. दो तरह की countries होती है, एक जिसका capital बहुत strong है
मतलब जहां पे कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बनते हैं। देखो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं ना, एक जिसमें लेबर ज्यादा चाहिए और दूसरे टाइप के जिसमें ऑटोमेशन मतलब कैपिटल वगैरह ज्यादा चाहिए। तो एक कंट्री जिसके पास ऐसे प्रोडक्ट ज्यादा हैं जो कि मतलब जो कैपिटल एंडाउड कंट्री है, जिसके पास कैपिटल ज्यादा है, उसको कौन से चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए? कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का, और उसको क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट करना चाहिए। और एक ऐसी कंट्री जो लेबर एंडाउड है, जहां पर लेबर फैसिलिटी बेटर है, लेबर फैसिलिटी ज्यादा है, उसको क्या बनाना चाहिए? लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, और उसको क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट करना चाहिए। सिंपल सी बात ये कहता है। देखो, देयर आर क्लियर एफिशिएंसी बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेड दैट रिजल्ट इन मोर प्रोडक्ट, नॉट ओनली मोर ऑफ सेम प्रोडक्ट बट ग्रेटर प्रोडक्ट वेराइटी। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही प्रोडक्ट की यहाँ बात हो रही है, अलग अलग प्रोडक्ट्स की भी आप ये चीज यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मॉडर्न थ्योरी का मतलब है बेसिकली, आपके पास यहाँ जो ये थ्योरी है ना वो वाली, ठीक है, और यहाँ पे कंपैरेटिव थ्योरी, इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं, पढ़ाऊंगी ये भी, रुक जाओ। एचओ थ्योरी और आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के बीच में कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं, ये आपको पढ़ने हैं। बहुत बोली है यार आज मैंने। क्या है? देखो देखो देखो, शांति शांति शांति, ओम शांति ओम। आज कहाँ देखा मैंने, पेपर में देखा कहाँ पे कि ओम की ध्वनि से भी क्या इलाज किया जाएगा, राइट? सच अ बिग अचीवमेंट, सच अ बिग थिंग। पढ़ा पेपर? पेपर मैम उठ के हम आ गए सीधा, है ना, हमें यही नहीं, हमारी आंखें यही खुली आके, काय का पेपर पढ़ा हमने। पेपर पढ़ना क्या होता है, नहीं मिलता टाइम, आई नो, बिल्कुल नहीं मिल पाता। भाई निकल जाना नहीं बैठे तो, आपको तो बेटा बहुत बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है, इतना लेट आप लोग आ पाते हो, क्लासेस सुबह 6-6 बजे चालू हो जाती है सीए की। क्या है, कर दें? तुम आ जाओगे? वाई? तुम्हें पता है, तुमको एक बात बताऊं, जितना अर्ली मॉर्निंग क्लासेस स्टार्ट होती है ना, एक बार आने में मुझे भी पता है जोर आता है, लेकिन जब वो आपकी इतनी अर्ली खत्म हो जाती है, आपका पूरा दिन सेव होता है ना, बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है उससे। आप इस चीज को रियलाइज नहीं कर सकते कि मॉर्निंग का टाइम यूटिलाइजेशन क्या चीज है। मैं थोड़ी ना चेंज कर सकती हूँ, मैं चेंज भी नहीं कर रही, पर मैं क्या करता है उसमें भी क्या बुराई है? कोई करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा बताओ, ठीक है तो तेज़ कोई और ले आएगा। हाँ अभी तो तेरे को, अभी तो तेरे को करना है ना ये काम भी, ये बहुत, लेकिन मॉर्निंग टाइम बहुत ज्यादा, जो आदमी मॉर्निंग टाइम यूटिलाइज करना जानता है ना, उसके पास 24 घंटे कभी कम नहीं पड़ते। ये एकदम फालतू थ्योरी है कि हमारे पास टाइम नहीं है, 24 घंटे में आदमी पता नहीं क्या क्या कर लेता है। अब एक बात बताओ, समझो किसी दिन को कहीं नहीं जाना, घर पे ही बैठना है, ओके, तो आप 24 घंटे में आराम से बैठते हो, टीवी देखते हो, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, खेल लिए, व्हाटएवर जो भी करते हो तुम, फोन चला लिया, 24 घंटे में वही काम हुआ। और कहीं तुम्हें ट्रैवल करना है, 4 बजे की तुम्हारी ट्रेन है शाम को, ओके, और आप मानो कि तुम्हारी सुबह मॉर्निंग की 10 बजे की ट्रेन है, तो तुम 10 बजे से पहले सोचो क्या क्या नहीं करते, उठते भी है, नहाते भी है, मम्मी का सोचो, खाना भी बनाती है, पैक भी करती है, घर का, घर को भी सेट करके जाना पड़ता, थोड़ी ना जो छोड़ जाती है तुम लोग के जैसे, तुम्हारे कमरे के जैसे, है ना? हाँ तो सोचो, तो भाई एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट, पर मेरे कहने का मतलब क्या है बेसिकली, कि मम्मियां कितना कुछ करती है, करती है कि नहीं करती, और यही अगर उनको रूटीन का काम करना हो तो वो अपना उठेंगी, अपना काम करेंगी, जो तुमको टिफिन पैक करके देना है वो दे देंगे, बस दैट्स इट। तो वही तो 24 घंटे हैं उस दिन भी, और पिछले दिन भी 24 घंटे वही थे, तो फिर काम इतना ज्यादा कैसे हो गया अगले 24 घंटे में? हाँ, क्योंकि यूटिलाइजेशन बढ़ गया, मॉर्निंग टाइम यूटिलाइज कर लिया या इवनिंग टाइम यूटिलाइज कर लिया। तो ये सब फालतू बात है कि टाइम नहीं होता है, टाइम नहीं होता जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, टाइम होता ही है हमेशा, टाइम होता है नहीं ऐसा नहीं है, टाइम आपसे मैनेज नहीं हो रहा, ये है। जैसे ना अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो बच्चे मुझे बोलते हैं, कल पेपर था ऑडिट का, तो मैम हमने तो नहीं पढ़ाई करी, तो क्यों नहीं करी पढ़ाई?
क्योंकि मैम 2 ही दिन थे पिछले पेपर और ऑडिट के पेपर के बीच में, अभी पर 2 दिन पहले टेस्ट था किसी का, कॉस्टिंग का था किसी का, अभी कल ऑडिट का था, मैम 2 ही दिन थे, 5 चैप्टर कैसे पढ़े, मॉड्यूल 1 में 5 चैप्टर, 5 भी बहुत बड़े मान रही हूँ बहुत बड़े, लेकिन मैंने कहा यार तुमसे 2 दिन में 5 चैप्टर नहीं पढ़े जा रहे, तुमको पेपर देने जाना है उसमें तुम्हें आने के बाद 1.5 दिन मिलेगा, 1 डे छोड़ के 1 डे पेपर होता है इंटर का फाइनल का, तुम 1.5 दिन में 11 चैप्टर कैसे करोगे, तुमसे 2 दिन में ना 5 चैप्टर नहीं पढ़े जा रहे। तो मैम 2 दिन बहुत कम टाइम होता है, ये होता है। मैंने कहा भाई कुछ नहीं है, मैनेज नहीं हो रहा तुमसे, तुमको मैनेज करना नहीं आ रहा, हमेशा मैनेजमेंट का ही इशू होता है, टाइम नहीं है ये सबसे घटिया एक्सक्यूज होता है किसी भी चीज़ का, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ तुमको कोई कह दे कि यार मेरे को तो घंटा भर बात करने का अति मन हो रहा है, तो तुम कैसे रात को 12 से 1 टाइम निकाल के बात कर लोगे, बात तो करोगी है ना, तो फिर तुम्हारा मन होना चाहिए उस चीज़ के लिए, टाइम अपने आप निकल जाता है, मन होना बहुत बड़ी बात है, करोगे ना 1 घंटा यार माइंड फ्रेश करने के लिए मिंत्रा देखना ही या व्हाटएवर इंस्टाग्राम देखना ही पड़ेगा, जो भी है भाई मैं जो देखती हूँ वो मैंने बताया है ना। हाँ मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार हो गया, मतलब यार घर पहले सुबह पढ़ाओ, घर जाओ, थोड़ा घर का भी देखो, मेरी छोटी सी बच्ची भी है, वो तो जैसे उसके पास बैठ जाओ तो बाद में तो पता ही नहीं क्या ही होता है दिन का, कहीं जाता है दिन है ना, लेकिन उसके कारण आप बाकी चीज़ें तो नहीं कम कर सकते ना। ओके फिर भी आप इंस्टाग्राम मैम चलाते हो? हाँ कभी कभी ऐसे चलाती तो हूँ, ओके बाई चांस नहीं, मैं सोशल पे एक्टिव हूँ, चलाती हूँ, व्हाट्सएप भी चलाते हैं अपन, मिंत्रा भी देख लेती हूँ, पार्सल्स मेरे आते ही रहते हैं हर 10-5 दिन से, तो इसका मतलब देखती तो हूँ, तभी तो खरीदती हूँ, तभी तो आते हैं, तो टाइम मिला कहाँ से। तो आपके मन होना चाहिए किसी भी चीज़ का, टाइम अपने आप निकलता है हर चीज़ के लिए। ओके हाँ पहले तो 1 दिन